दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आपको नमस्कार सर। वेलकम टू इंडिया। थैंक यू चैट के अंदर यूट्यूब का लिंक दे रहा हूं। जी सर। आ गया। आप लोगों को यूट्यूब का लिंक मिल गया? अभी नहीं आया सर। चैट में देखिए। चैट में संजय जी। हाँ जी। नमस्कार सर। इंडिया की धरती पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर चैट में नहीं आया लिंक। अब देखो। आ गया। दोस्तों काफी अच्छी अच्छी न्यूज है आज। काफी कुछ चीजें ऐसी है जो आज हम सबको क्लियर हो जाएगी। कुछ चीजें ऐसी है जो आज तक हमें पता नहीं थी, क्योंकि आज तक कभी अपलाइन लोगों के साथ कभी साथ में बैठने का मौका नहीं मिला, मिलने का मौका नहीं मिला। पता नहीं था कौन कौन है, लेकिन जब सिंगापुर गए तो वहां पता चला कितनी अपलाइन है, कौन कौन है, इसके पहले लोगों ने क्या क्या कांड किए, हर एक चीज वहां पे क्लियर हो गई थी। आज प्रेजेंटेशन के बाद वही सब बातें आपको बताई जाएगी। आज इस मीटिंग में नए लोग कितने हैं जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम वेरी गुड। आप सभी को व्हाट्सएप पे यूट्यूब का लिंक आ चुका है। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे उन तक लिंक पहुंचा दीजिए। गुड। काफी ग्रुप में जा चुकी है। वेरी नाइस। लगभग सबके पास पहुंच चुकी है। वेलकम टू संजय सर। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं सर सभी लोगों से कि आपका जो यूट्यूब चैनल है सभी लोग सब्सक्राइब कर ले तो सर ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाता है। जी जी जी। अब उनकी मर्जी है सर। नहीं मैं कह रहा हूं सर कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए तो ऑटोमेटिक आप सभी लोगों को जूम लिंक आ जाएगा। थैंक यू सर। जी जी। सभी के पास यूट्यूब लिंक पहुंच चुका है।
दोस्तों कुछ चीजें प्रेजेंटेशन के बाद जितने भी ज्वाइन लोग हैं वो बने रहिएगा, क्योंकि मार्केट में आप सभी वर्क करते हैं। आज दो तरह की हमारे पास पीडीएफ है, पीपीटी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत हम यहीं से करते हैं, क्योंकि कंपनी ने पूरी ऑरेंज कलर की दी है, वो भी है दोस्तों। आज नए नाम के साथ, मतलब खाल वही, सिर्फ कपड़े नए, कोई चेंज नहीं है, सब कुछ एज इट इज है। और पिछले दो दिन से कुछ लोग पैनिक भी थे, अरे यार नाम कैसे चेंज हो गया, उसका भी रीजन मैं लास्ट में बताऊंगा। उसके अलावा बीच में जो स्ट्रक्चर पूरा चेंज हुआ, क्यों करना पड़ा, उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। जिन लोगों के वैलेट हैक हुए हैं उनको कैसे रिकवर किया जाए, उसका भी प्रोसेस पूरा क्लियर बताऊंगा। इसके बाद माइनिंग कब तक आएगी वो भी क्लियर बताऊंगा। इकोसिस्टम कब तक कंप्लीट हो जाएगा वो भी आपको बताऊंगा। फ्यूचर प्लानिंग क्या है, विजन क्या है, ये सारी चीजें प्रेजेंटेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जितने भी हमारे नए गेस्ट आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, और जितने हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है या फिर यूजर्स है, मेंबर्स है, उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी न्यूज, नए हो चाहे पुराने हो, क्योंकि सभी के लिए बेहतरीन शानदार है। तो शुरुआत करते हैं एससीएफ चेन, जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड क्रॉस फाइनेंशियल चेन, एससीएफ चेन। इसी महीने के एंड तक हर जगह आपको एससीएफ नजर आएगा, एफटीसी नहीं नजर आएगा, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है ब्लॉकचेन से लेके हर एक चीज का। उसका रीजन भी आपको मैं बता दूं, एससीएफ चेन एक हाई परफॉर्मेंस पब्लिक चेन है। ये नए जनरेशन की क्रॉस बॉर्डर और ऑफशोर फाइनेंशियल इंटरेक्शन के साथ ये ब्लॉकचेन बनाई गई है। इस ब्लॉकचेन के अंदर इसकी डिजाइन, इसका प्रिंसिपल, अंडरलाइन टेक्नोलॉजी, इनके अंदर बनाए गए फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एससीएफ की फाइनेंशियल इकोलॉजी, ये सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को करने से पहले हमें उसको प्रॉपर समझना चाहिए। आज मार्केट में कई तरह के मार्केटिंग प्लान चल रहे हैं, लगभग सारे के सारे सिर्फ वेबसाइट बेस्ड काम कर, ना कोई विजन, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कोई पॉलिसी, ना कोई मेथड, ना कोई सिस्टम, ना कोई मैनेजमेंट, फिर भी हम लोग काम कर। यहां तो एक से बढ़कर एक चीज है, और ये सही में है या नहीं है ये हमें खुद चेक करना पड़ेगा। आज कोई भी व्यक्ति जो भी इन्वेस्टमेंट करता, तो किसी के पास भी फ्री का पैसा आता नहीं है, बहुत मेहनत से लोग पैसा कमाते, तो उस पैसे को किसी अच्छी जगह सोच समझ के स्टडी करने के बाद लगाना चाहिए। और अगर पैसा हम खुद लगाते तो स्टडी भी हमें खुद करनी है। अरे सर उसने बोल दिया मैंने लगा दिया, अच्छा जी ऐसा कभी होता है? ऐसा करना चाहिए? किसी को भी नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट कौन लेगा? हम, तो नुकसान भी किसका होगा? हमारा। अगर अच्छी चीज को हम सही ढंग से चेक करके करते हैं,
तो वहां हर एक आदमी अन्न करता है और सभी लोग कमाते। तो आज इस प्रोजेक्ट में आपको वही सारी चीजें दिखाई जाएगी कि एक्चुअल में एससीएफ चेन है क्या। एक थर्ड जनरेशन हाई परफॉर्मेंस देने वाली पब्लिक चेन है, इसको डाउन चेन स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ये पूरा डिजाइन एक ब्लॉकचेन फाइनेंशियल सिस्टम के बेस पे बनाया गया, जिसके अंदर ईवीएम कंपेटेबल और हाई रिच के साथ एक डाइवर्स इकोसिस्टम इसके अंदर बनाया गया है। आज तक दुनिया के अंदर जितने भी ब्लॉकचेन बनी है, उन सभी ब्लॉकचेन में तीन मेजर चैलेंजेस थे, डिसेंट्रलाइजेशन को लेके, सिक्योरिटी को लेके और अनुमापकता जिसको स्केलेबिलिटी कहा जाता है। तीनों को लेकर काफी कुछ असमंजस थे। एससीएफ चेन ने पहली बार डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म डाला जिसको कहा जाता है एपोस, जिसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन बहुत परफेक्ट हो। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो ये पहली बार आप देख रहे हो जीरो नॉलेज प्रूफ। अब तक आपने जितनी भी माइनिंग देखी किसी ना किसी डिवाइस के थ्रू देखी, जैसे बिटकॉइन की बात करें मशीनें लगती है बड़ी बड़ी, इथेरियम की बात करें बड़ी बड़ी मशीनें लगती है, लेकिन यहां पे सुपर नोड्स के द्वारा और वो पब्लिक के सुपर नोड्स, किसी को पता नहीं कौन है, वो सारे सुपर नोड एक्टिव होके पता नहीं किस किस के पास ट्रांजेक्शन जाते, किसी को एक दूसरे का पता नहीं, एट ए टाइम 10 सुपर नोड कनेक्ट होके उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है जीरो नॉलेज प्रूफ सिक्योरिटी। स्केलेबिलिटी, पैरेलल चेन के अंदर जो माइनेबल है इनका, उसके अंदर भी बहुत अनुमापकता डाली गई है। इसके चेन का परफॉर्मेंस, इसके अंदर एटॉमिक स्वैप, ये क्रॉस चेन आप पहली बार देख रहे हैं, लेयर टू, ईवीएम कंपेटेबल, ये सारी चीजें आप इसके अंदर स्टडी कर सॉरी अगर हम इसके टीपीएस की बात करें, ट्रांजेक्शन पर सेकंड, तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर टीपीएस किसका है तो एससीएफ चेन का है, 7500 प्लस, और इसके पैरेलल चेन का 80000 प्लस। एवरेज ब्लॉक टाइम भी आगे आपका बताया जाएगा। दो तरह के चीजें इसमें काम करती है, दो चेन इसके अंदर बनाई गई है, एक मेन चेन और एक पैरेलल चेन। आप सभी देखते हैं, अरे सर ये एफटीसी एससीएफ मेन चेन पे भी है और पिन चेन पे भी है, जिसको पैरेलल चेन कहा जाता है। इसको कहा जाता है कॉन्सेंसस मैकेनिज्म, इसी पे इसको बनाया गया है। इनका जो एटॉमिक स्वैप है, ये आने वाले टाइम में किसी भी ब्लॉकचेन को पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी भी डिफरेंट ब्लॉकचेन को। कई तरह के अलग अलग लॉकिंग इसके अंदर लगे। अगर मान लो क्रॉस चेन के अंदर कोई ट्रांजेक्शन अगर नहीं हुआ, फेल हुआ, वेरीफाई नहीं हुआ, तो कैंसल हो जाएगा और अपने आप रिवर्स चला जाएगा, अनलॉक ऑटोमेटिकली, जो आज तक नहीं हुआ है दोस्त। आपने अगर गलत एड्रेस डाला, कुछ मिसिंग आपसे हो गई, तो क्या आपसे वो ट्रांजेक्शन रिवर्स होता है? बिल्कुल नहीं, यहां वो पॉसिबल है, क्योंकि इन्होंने जो टेक्नोलॉजी इस ब्लॉकचेन के अंदर डाली गई है दोस्तों, वो अनबिलीवेबल। और मैं आपको एक चीज दोहराना चाहता हूं कि आज तक, अभी तक मैंने खुद कोई भी ऐसी ब्लॉकचेन नहीं देखी जो बंद हो गई है।
क्योंकि काफी सारे लोगों के दिमाग में डाउट रहता है, सर कितना चलेगी, कब तक चलेगी, कितना खेल सकते हैं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल, ये लगभग रेगुलर सवाल हम लोगों के रहते हैं। और वो इसलिए रहते कि हम लोग किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे होते तो वहां ये स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, इसका ब्लॉकचेन, इसका डिसेंट्रलाइज वॉलेट, इसके अलावा कई सारे इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, कुछ लॉन्च हो चुके हैं, कुछ अपकमिंग में। तो ये केवल एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के अंदर कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए एक छोटा सा पार्ट नेटवर्क का डाला गया है। इनके सभी प्रोजेक्ट में नेटवर्किंग नहीं है, देखिए आप स्टडी कीजिए आपको समझ में आ जाएगा। लेयर टू ब्लॉकचेन, जीरो नॉलेज प्रूफ डिस्कस हमने कर लिया, ईवीएम फुली कंपेटेबल जिसको कहा जाता है इथेरियम वर्चुअल मशीन, एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, जिस दिन हम कोई टेक्निकल सेशन रखेंगे तो इसके ऊपर भी आधा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हम मेन मुद्दों पे आते हैं, एससीएफ चेन जो है इसका फाइनेंशियल इकोसिस्टम और इसकी वैल्यू, इसके अंदर सबसे पहले आने वाला है फिनपे पेमेंट एप्लीकेशन। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, आप यहां पे देखेंगे इनका कार्ड भी आ रहा है फिनपे का, उस कार्ड के अंदर आप अपने क्वाइन, अदर क्वाइन डिपॉजिट करके दुनिया के किसी भी बैंक से पेमेंट निकाल पाओ, एफटीएफ के कॉइन हो या यूएसडी हो या अदर कोई भी क्रिप्टो करेंसी, जिसके लिए इन्होंने इंटीग्रेटिंग किया है स्विफ्ट को, जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में लगता है। जैसे हमारे इंडिया में एक दूसरे के अकाउंट में अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो आईएफएससी कोड लगता है, वैसे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में स्विफ्ट कोड, साथ ही साथ पेपल और वीजा। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि इन्होंने मल्टीनेशनल बैंक को अपने साथ लिया है, जिसका नाम अगर आप या फिर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी इंटरनेशनल बैंक है, वेल फार्गो, एचएसबीसी, सिटी ग्रुप एंड गोल्डमैन सैक्स, इतनी सब बैंकों को टाई अप करके इन्होंने ये प्रोजेक्ट को बनाया है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 सेकंड में आपके ट्रांजेक्शन होंगे, विद इन अ 3 सेकंड। जब इस पे पी टू पी चलेगा दोस्तों, बड़े बड़े एक्सचेंज या बड़ी बड़ी एक्सचेंज के अंदर जो पी टू पी चल रही है, वहां की टोटल कम्युनिटी शिफ्ट होके आएगी फिनपे, और जब वो फिनपे पे आएगी तो उनको ज्वाइन करने के लिए हमारे में से किसी ना किसी की रेफरल लिंक लेनी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब ये है, ये प्रोजेक्ट केवल काम करने वाले लोगों तक सीमित नहीं रहेगा, ये हर वर्ग, हर तबके का व्यक्ति जो क्रिप्टो करेंसी में काम करता, उन सब के लिए यहाँ पे हर एक अलग अलग प्रोजेक्ट, मतलब किसी भी तरह से टोटल कम्युनिटी को इस प्रोजेक्ट के अंदर जोड़ना। और जिसके पास ज्यादा कम्युनिटी वो आज की डेट में दुनिया में राजा है, किंग है। कोई भी उठा के देख लो, गूगल से लेके इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, उसके बाद अमेजोन, अपने इंडिया का फ्लिपकार्ट देख लो, उसके बाद स्नैपडील देख लो, ऐसे बहुत सारे, ओला, उबेर, ओयो, कम्युनिटी की वजह से ये लोग आज वर्ल्ड में बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच, इवन टॉप पे पहुंच। तो सारी कम्युनिटी फिनपे में
धीरे धीरे आने वाली है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इनका फिन बिल, जहां पे पहली बार बिल्स का एक्सचेंज होगा, उसके अंदर इतनी सिक्योरिटी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी कि वहां फ्रॉड होने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। प्रोमाइसरी नोट के अंदर ट्रेडिंग होगी, चेक के अंदर होंगे, ये सारा डिसेंट्रलाइज, जिसके अंदर बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर सारे ट्रांजेक्शन होंगे। ये भी अपकमिंग में है, फिनसो लॉन्च हो चुका है, स्टार्ट करना बाकी है। फर्स्ट टाइम मेटावर्स बेस 2.0 बनाया गया है दोस्तों, इसके अंदर चैट जीपीटी का भी सहारा लिया गया है। एनएफटीज रहेगी, कई सारे गेम्स ऐसे रहेंगे जो आप पहली बार देखोगे। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए जितना जरूरी है वो सारी चीजें हर फील्ड की, आज आप देखते होंगे कॉलेज के लड़के दिन भर व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, गेम्स में लगे रहे। युवा पीढ़ी गेम की तरफ कन्वर्ट हो चुकी है, तो यहां पे भी गेमिंग के साथ साथ अर्निंग के भी सोर्सेस रहेंगे। साथ ही साथ कंपनी को यह पता है कि यंग जनरेशन सबसे ज्यादा इस्तेमाल सोशल मीडिया का करती है, तो उनके लिए 3.0 वेब 3 कहा जाता है उसके बेस पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सारा कुछ इसी में रहेगा, वो भी ब्लॉकचेन बेस। आप एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, फोटो, सब कुछ जो हम व्हाट्सएप में कर सकते। तो ये नेक्स्ट जनरेशन के सारे प्रोजेक्ट है दोस्तों। ये थे अब तक आपको बताए इनके इकोसिस्टम, साथ ही साथ अर्निंग के स्रोत बढ़ाने के लिए इन्होंने फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया, जिसके अंदर अपने खुद के ब्लॉकचेन पे बना हुआ इनका एसटीएफ नेटिव टोकन, साथ ही साथ पूरे दुनिया की क्रिप्टो करेंसी के कम्युनिटी को, किसी भी करेंसी को किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए दुनिया का पहला क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाया, जिसका नाम फ्यूचर, जो रन हो चुका। उसके अलावा आप सभी जानते हैं कि एक स्टेबल कॉइन सभी लोगों की पसंद होती है, उनको ये पता है कि ये स्टेबल कॉइन मेरे पास है तो मुझे प्रॉफिट लॉस होने का कोई चांस नहीं है, ना प्रॉफिट हो सकता है ना लॉस हो सकता है, क्योंकि उसकी प्राइस स्टेबल रहती है, 25-50 पैसा प्लस माइनस रहता है, जैसे यूएसडीटी का होता है, सेम रेट इनके स्टेबल कॉइन का, जिसको नाम दिया गया है एफयूएसडी। आगे वो भी एक एक चीज हम देखेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल सोल बाउंड, जिसको फिनएसडीटी कहा जाता है, और डिसेंट्रलाइज प्रूफ ऑफ क्रेडिट। तो सबसे पहले देखते हैं इनका एसटीएफ नेटिव टोकन। दोस्तों इसकी क्वांटिटी 84 करोड़ रहेगी, है नहीं, क्यों है नहीं, क्योंकि 100% माइनेबल है। 7 जून से इसकी माइनिंग स्टार्ट हुई थी और तब से हम लोग इसका माइनिंग का आनंद ले रहे हैं। 100% एसटीएफ जो नेटिव टोकन है माइनेबल, वो केवल और केवल मात्र माइनिंग से बाहर आने वाला है। और जिन लोगों ने इसके नोट सब्सक्राइब किए हैं उनको एक गुड न्यूज दे दूं कि जब तक 84 करोड़ 840 मिलियन क्वाइन बाहर नहीं आते हैं तब तक आपको ये माइनिंग मिलती रहेगी, जिसके लिए लगभग 80 साल लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये क्वाइन 80 साल तक माइन होके आते रहेंगे। यहां आपका एक सवाल क्लियर हो जाता है कि माइनिंग कब तक आएगी, आपका इको इन्वेस्टमेंट वापस लेने के बाद भी आपको माइनिंग आती रहेगी, क्योंकि काफी सारे लोग
डिस्कस करते हैं, अरे सर कैपिटल मिलने के बाद तो माइनिंग बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, माइनिंग हमेशा मिलती रहेगी जब तक टोटल सप्लाई मार्केट में नहीं आता। अगर एससीएफ क्वाइन की बात करूं तो हर 3 सेकंड में 10 क्वाइन रिलीज होते हैं माइनिंग से, हर 3 सेकंड में, और इसकी जो हाल्विंग होगी वो 4 साल में एक बार होगी। क्लियर। स्टेबल क्वाइन की अगर बात करें, एफयूएसडी, जिसको मार्केट में लाने के लिए कई सारे करोड़ों रुपए डिपॉजिट करने के बाद आप इसको रिलीज कर, और यहां से भी सिस्टम के पास ईयरली जो अर्निंग होती है, प्रॉफिट होता है, तो ये बता रहे कि हमारे पास लगभग 20% से 300% यहां से भी एक्स्ट्रा अर्निंग आएगी। जैसे अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग करते हैं यूएसडीटी, BEP20, TRC20, ERC20, BUSD, ठीक उसी तरह इनका भी एक स्टेबल कॉइन है जो ऑलरेडी मार्केट में रन कर रहा है, हम लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। फिनसेट, जैसा आपको बताया, दुनिया का पहला क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। दोस्तों इसके अंदर इतनी फास्ट प्रोसेस डाली गई है जो आज तक किसी भी क्रॉस चेन में नहीं है, पहली बात तो दूसरी जगह है ही नहीं। और ये क्रॉस चेन के अंदर जो लिक्विडिटी लगती है, LP बोलते हो, लिक्विडिटी पूल, उसको भी कंट्रोल करने का, प्राइस को, कैपिटल एलोकेशन को हैंडल करना, वॉच करना, मेंटेन करना, यहां तक की टेक्नोलॉजी इसमें डाली गई। साथ ही साथ इनका NFT बेस्ड एक फाइनेंशियल टोकन भी आ रहा है जिसका नाम FinSBT रहेगा। इसके अलावा लगभग 100 के करीब अलग अलग थर्ड पार्टी टोकन जो अपनी ब्लॉकचेन पे बनाए, कोई भी बना सकता है, जैसे बाकी लोग बनाते हैं, कोई बाइनांस चेन पे बनाता है, ट्रॉन चेन पे बनाता है, मैटिक पे बनाता है, ऐसे तो इसके ऊपर भी 100 के करीब टोकन लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें से 3-4 लॉन्च हो गए, और उस 100 में से लगभग 40-45 टोकन ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनी के ओनर ने बनाए हुए, तो वहां से भी अलग कम्युनिटी आएगी। हर जगह इनका एक ही मकसद है कि अपना ब्लॉकचेन, अपना कॉइन, सारी कम्युनिटी हमारे प्रोजेक्ट का ही इस्तेमाल करे, हमें किसी के भी अलग थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल ना करना पड़े। धीरे धीरे इनके ब्लॉकचेन के साथ सभी ब्लॉकचेन की पेयरिंग आ जाएगी। SCF एक बहुत बड़ा नाम पूरे दुनिया में करने जा रहा है, और ऑलरेडी हो चुका है, आप सभी जानते हैं। एक डिसेंट्रलाइज प्रूफ ऑफ क्रेडिट भी आने वाला है इसका, जिसके अंदर कस्टमर को क्रेडिट मिलेंगे, लोन, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केट में जो बिजनेस चलता है बैंकों का, मान लो वो सिर्फ लोन पे चलता है सबसे ज्यादा, तो इस तरह से एक रिलायबल मैकेनिज्म इस डिसेंट्रलाइज प्रूफ ऑफ क्रेडिट के अंदर डाला गया। यहां आपको रिवार्ड, अगर कोई लोन के अंदर कोई नहीं भर पाया, कुछ कर दिया, तो उसके अंदर पनिशमेंट भी पूरी डिसेंट्रलाइज बेसिस पे। तो ये देखना होगा कि ये लॉन्च होने के बाद इसके अंदर क्या पैरामीटर रहे, कि अगर बंदे ने कोई लोन नहीं पेड की तो किस तरह से पनिशमेंट यहाँ पे दिया जा सकता है, ये आगे हम लॉन्च होने के बाद देखेंगे। तो इनके प्रोजेक्ट, इनका इकोसिस्टम, इनकी ब्लॉकचेन, इनका डिसेंट्रलाइज वॉलेट, इनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, इनके कई सारे प्रोजेक्ट, इनका फिनपे, फिनबॉक्स, फिनसोल, कई सारे प्रोजेक्ट जिसमें से कुछ लॉन्च हो चुके, कुछ लॉन्च होने बाकी, और ये सभी प्रोजेक्ट मार्केट में फ्लोर पे उतरने के लिए तकरीबन 1 साल लगेगा, तकरीबन 1 साल। इसके बीच में और कई सारे और भी आएंगे, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट है कि
इनका जो कंपनी है उसको नैस्डैक में लिस्टेड करना, और ये बात आज से नहीं पहले से आपको बताई जा रही, और आराम से होगा। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर टेकिंग के द्वारा हम लोग कैसे अर्निंग कर सकते, ये मान के चलिए कि यूज अर्निंग का ये प्लेटफॉर्म है। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है लेकिन कम्युनिटी को फास्ट लाने के लिए ये डाला गया है। यहाँ पे आपको स्टेडी फ्लो मिलता है इनकम का, किसी ट्रेडिंग किए बगैर, जिसको हम नॉन वर्किंग इनकम भी कहते हैं। ऐसा इकोसिस्टम बनाया जहां से एक सपोर्टिंग मिलती है हम लोगों के स्टेकिंग के द्वारा सिस्टम को, इसके क्वाइन को आगे बढ़ने के लिए। इसके बदले में हमें एक अट्रैक्टिव रिवार्ड दिया जाए। दोस्तों इसके स्टेकिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है, एक क्लियर प्रेडिक्टेबल रिटर्न आपको देता है। जितने भी समय के लिए आपने स्टेकिंग किया है अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से आपको प्रॉफिट दिया जाए। यहां से आप अपना फाइनेंशियल गोल, आपकी एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, और यहाँ पे कई तरह की अर्निंग आप ले सकते चेकिंग के द्वारा। इसके अलावा ट्रेडिंग फीस भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और साथ ही साथ रेफरल रिवार्ड्स भी इसके अंदर रखे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके से अर्निंग कर सकते। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100 से लेकर $50,000 तक हम लोग कर सकते, चाहे $100 हो चाहे $50,000 हो, सबके लिए एक ही परसेंटेज है, एक ही प्रॉफिट है। ऐसा नहीं कि किसी ने कम डाला तो उसको कम, किसी ने ज्यादा डाला तो उसको ज्यादा, ऐसा नहीं है। 7 दिन के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अगर यूएसडी में लेना था, दो वे है आपको प्रॉफिट लेने के, और दोनों वे इनके, यूएसडी इनका स्टेबल कॉइन है और एफटीसी इनका डेली ग्रो होने वाला कॉइन। अगर आप यूएसडी में लेते 7 दिन के लिए तो डेली 1%, वही अगर आप एफटीसी मेन में लेते तो 1.1% पर डे। वही अगर हम 15 दिन के स्लैब में जाते हैं, अगर हमें FUSD में रिटर्न चाहिए तो 1.1% मिलेगा, और अगर FTC में चाहिए 1.2%। तीसरा स्लैब है 30 डेज का, डिपेंड करता है आपके ट्रस्ट पे, आपके कैपेसिटी पे, आपके सोचने की शक्ति पे, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते। सारा कुछ स्टडी करने के बाद अगर हम 30 डेज के लिए लगाते, एफटीसी में चाहिए 1.2% दे दी, और एफटीसी में चाहिए तो 1.4% पर डे। एक छोटा सा एग्जांपल देखते दोस्तों, सपोज करो किसी ने $10,000 लगा दिया 7 दिन के लिए, तीनों एग्जांपल देता हूं, 1% आना है तो 7 दिन के 700 FUSD, ठीक से यहाँ तो कुछ घटना बढ़ना नहीं है। लेकिन अगर वो प्रॉफिट FTC में लेना चाहता है तो उसको 2.2 FTC पर डे आएंगे, तो 7 दिन के हो गए 15.4। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, आप सभी जानते हैं लगभग हमारा जब चेकिंग प्रोग्राम चालू हुआ था 1 तारीख को, आज 15 दिन हो गए, $44 से स्टार्ट हुआ, आज 55 है। तो आप सोचिए FTC में आया हुआ प्रॉफिट आपका बढ़ के आया या घट के आया। घटना बढ़ना होता रहेगा, ऐसा नहीं कि हमेशा आप ही जाएगा। दोस्तों किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ये कोई नहीं बोल सकता कि वन साइड चलेगा, अप डाउन सब में आते जैसे हमारे जिंदगी में आते। तो डाउन जाए तो पैनिक नहीं होना है, और ज्यादा अप जाए तो ज्यादा खुश भी नहीं होना। उस बीच में हमें हमेशा ध्यान रखना है
एवरेज करना है, प्रॉफिट निकालना है, ये सारी चीजें अगर हम स्टडी करेंगे तो हर एक चीज हमारे समझ में आएगी। अब इसका जो अप ट्रेंड इतना शानदार चलेगा दोस्तों, क्योंकि हमारी जब बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि सितंबर एंड तक $200 आराम से चला जाए, और उन्होंने इसको अप करने के लिए $50 मिलियन तक रेडी करके रखे पुशअप के लिए, $50 मिलियन। तो ये 7 दिन का प्रॉफिट आपको समझ में आ गया। 15 दिन का देखिए, अमाउंट वही 10,000, 15 दिन का प्रॉफिट 1650 FUSD स्टेबल कॉइन है। वही अगर FTC की बात करें, डेली 2.4, मतलब 15 दिन के हो गए 36। अब कैलकुलेट करिए, अगर रेट इंक्रीज होता गया तो आपका प्रॉफिट ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए, डिपेंड आपके ऊपर है। ये कैलकुलेशन आपको दिखाया जब $50 का रेट था उसके हिसाब से कैलकुलेशन नहीं है, और आज $55 है। 30 डेज में देखिए $3600 FUSD, और FTC काउंट करो 84। 50 के रेट से कैलकुलेशन किया है दोस्तों, अगर आज के रेट से इसको मल्टीपल करो 84 को, देखो परसेंटेज क्या आता है। 10,000 का भी कैलकुलेशन है, 50,000 का भी कैलकुलेशन, देखिए ये सारे कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं। रेफरल रिवार्ड की अगर हम बात करें, रेफरल रिवार्ड के लिए चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं, ठीक है। आपके साथ जो भी व्यक्ति ज्वाइन कर, चाहे वो कितने भी अमाउंट से करे, मिनिमम 100 से शुरुआत होती है, उनके इन्वेस्टमेंट का डेली आपको मिलेगा 0.15% पर डे। एग्जांपल आपके सामने, अगर आपके डायरेक्ट में $10,000 का बिजनेस लगा, एक व्यक्ति द्वारा, दो व्यक्ति द्वारा, 10 व्यक्ति द्वारा या 100 व्यक्ति द्वारा, 100-100 करेंगे तो 100 हो जाएंगे, तो उसका डेली का 0.15% मतलब 15 FUSD आपको डेली के, भाई साहब महीने के 450 हो गए। कैलकुलेट करो, दुनिया के किसी भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। सेकंड लेवल जिसको हम इनडायरेक्ट रेफरल बोलते हैं, वहां 0.10%, उसका एग्जांपल देख लो, 10,000 पे वहां 10 आएंगे। तो हर एक व्यक्ति जो भी इन्वेस्टर है, नए हमारे भाई बैठे हैं, वो अगर काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अपनी 3 ID देना, छोटा सा ऊपर, मान लो 100 ऊपर लगा दिया, सेकंड ID में 100 लगा दिया, और थर्ड ID में जो अपना बड़ा लगाना है लगा दे। तो क्या होगा, ऊपर के दोनों ID में 0.25% डेली का परसेंटेज बढ़ेगा रेफरल का, मतलब मंथली बैठता है 7.5% दो। अब कैलकुलेट करो, तो हर एक नए जुड़ने वाले बंदे को ये सारी चीजें बताओ। ऐसा नहीं कि हमारे डायरेक्ट में बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा दिया और खुद ही कमाए, नहीं, अगर आपके साथ जुड़े हुए लोग कमाते रहेंगे दोस्तों तो हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो ये चीज का ध्यान रखना, रेफरल की केवल 2 लेवल है, लेकिन उसके बाद लीडर्स के लिए 5 अलग अलग रैंक हैं, GM, VP, SVP, ED और MD। सबसे पहली रैंक अचीव करने के लिए, जहां पे आपको टोटल टीम के इन्वेस्टमेंट का 0.2% डेली मिलेगा, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आपके 5 एक्टिव डायरेक्ट होने चाहिए मिनिमम $100 से, और टोटल टीम का LP $50,000 FUSD होना चाहिए, मतलब टीम का टोटल टीम का टर्नओवर, चाहे वो किसी भी लेवल में हो, अनलिमिटेड डेप्थ में क्यों ना हो, 100वें लेवल में होगा तो भी काउंट होगा,
तो आप जीएम बन जाते हैं। अब एक छोटा सा यहाँ पे आप खुद एग्जांपल लीजिए, मान लो आपके नीचे $50,000 का बिजनेस हुआ है और उसका 0.2% आपको डेली का मिल रहा है, तो ये लगभग अगर डॉलर में भी हम काउंट करते हैं तो कम से कम ये $100 बैठता है पर डे, और महीने का हो गया $3,000 कम से कम। लेकिन ये एफटीसी में आने की वजह से यहाँ पे आपका परसेंटेज काफी बढ़ जाता है, क्योंकि पिछले 15 दिन से हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यू 20-30-50 सेंट डेली बढ़ रहा है। तो 15 दिन में $10-11 रेट बढ़ चुका है, तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हम लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। आगे आपको वीपी बनना है तो आपके लिए क्राइटेरिया है कि आपके दो अलग अलग लेग में एक एक जीएम और टोटल टीम का वॉल्यूम $1.5 लाख या पीएचडी को हम डॉलर बोलेंगे, यहां पे आपको मिलता है 0.3% टोटल वॉल्यूम का। लेकिन आप वीपी कब बने, जब आपके नीचे दो जीएम बने। अब जीएम कितना परसेंटेज लेके जा रहे हैं भाई साहब, 0.2%, और वीपी का कितना है 0.3 माइनस 0.2 0.1 बचता है, 0.1 आपके जीएम से आएगा। और अदर लेग में वहां कोई जीएम है नहीं, तो वहां से पूरा का पूरा 0.3% आपको आएगा। ये बहुत ह्यूज अर्निंग होती है। सेम एसवी की बात करें, यहाँ पे 0.4% मिलेगा, क्राइटेरिया वही। जैसे वीपी के लिए आपके अलग अलग लेग में एक एक जीएम आपने अचीव करवाया था, वही जीएम को आप वीपी अचीव करा दीजिए, आप हो जाएंगे एसपीपी। और टीम बिजनेस चाहिए कितना, $5 लाख। नेक्स्ट अगर ईडी की बात करें, 0.5% मिलना है, क्राइटेरिया वही, जिनको वीपी बनाया उनको एसपीपी बना दीजिए, और टोटल टीम का वॉल्यूम $2 लाख। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसको हम बाइनरी की तरह भी चला सकते, चाहिए कितने, दो अलग अलग लेग में दो क्वालिफायर चाहिए, लेग आप कितने भी खोल सकते, क्वालिफायर केवल दो लेग से चाहिए, मल्टीपल होते कोई बात नहीं लेकिन चाहिए दो ही। और लास्ट में जो रैंक है एमडी, इंडिया में अभी तक कोई एमडी नहीं है। अभी हम सिंगापुर गए, वहां हर एक बंदा एमडी है, एमडी प्लस प्लस पहुंच गए केवल 15 दिन में, और हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट पे ये दर्शाते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, जबकि फिलहाल अभी इस 1 तारीख के बाद इंडिया में भी काफी अच्छी स्पीड बढ़ चुकी है, डेली बेसिस पे काफी अचीवर्स निकल रहे हैं। दोस्तों अगर एवरेज की बात करें, हर एक रैंक की जीएम में 100 कम से कम आता है पर डे, वीपी में लगभग $250-300 के करीब, एसपीपी में $700-800 कम से कम आते हैं, उससे ज्यादा ही बढ़ते जाते हैं, ईडी में लगभग मेरे ख्याल से 1500-2500 के बीच में आते हैं, और एमडी को आएंगे $5,000 से लेके $15,000-20,000 तक पर डे। अब जब रैंकिंग सिस्टम होती है तो वहां पे एक चीज और होती है, आज नहीं तो कल सेम रैंक पे दो लीडर आते ही आते, और जब वो आते हैं तो उस टाइम क्या होता है, एमडी के लिए तो यहाँ पे दे रखा है 0.1 0.2 0.3, लेकिन सेम रैंक पे अगर कोई आता है तो यहाँ पे 20% उसके अर्निंग का दिया गया है। मान लो आप जीएम हो, जब तक आप जीएम हो आपके नीचे कोई जीएम नहीं तब तक तो आपको पूरा 0.2% आ रहा है, जैसे आपके नीचे एक जीएम बना अब वो ले जाएगा 0.2%,
उसको जो जा रहा है डेली का एग्जांपल दिया है, देखो अगर $100 जा रहा है तो उसका 20% आपको डेली आएगा, और जैसे दूसरे लेग में आपका जीएम होता है तो आप सीधा वीपी हो जाओगे, अपने आप आपका रैंक बढ़ गया, परसेंटेज बढ़ गया। इस तरीके का ये पूरा प्रोजेक्ट। अब इसको शुरुआत कैसे की जाए, जितने भी नए भाई हमारे बैठे आपको रेफरल लिंक के द्वारा ज्वाइन करना है, वैलेट क्रिएट करना है, उससे 12 फ्रेज निकालना है। आप यहाँ पे लिक्विडिटी अगर लगा, नए लोगों को डायरेक्ट सारे ऑप्शन है, FUSD, USDT, ERC20, ERC20, BEP20, ये चारों स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल करके आप सीधा क्विक LP यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन लगाने के समय आपके पास गैस फीस के लिए FTC मेन 0.01 डाल के छोड़ देना। अगर आप BEP20 USDT इस्तेमाल कर रहे हो तो थोड़े से BNB चाहिए, अगर आप TRC20 इस्तेमाल कर रहे हो थोड़े ट्रॉन चाहिए, अगर आप ERC20 इस्तेमाल कर रहे हो थोड़े इथेरियम चाहिए, आपको पता ही है। ये डालने के बाद पिक प्लेस कर दीजिए, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो। जिस भी पीरियड के लिए आप डालते, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, उसके अनुसार और साथ ही साथ कौन से करेंसी में आपको प्रॉफिट चाहिए उसके हिसाब से भी परसेंटेज प्लस माइनस होता है। ये PSD में थोड़ा कम है, FTC में ज्यादा। ये तो हो गया प्लान क्लियर। अब जिन लोगों के अपने गलती के कारण कुछ वैलेट हैक हो गए, किसी को फ्रेज दे दिया, किसी ने कुछ चोरी कर ली, क्योंकि हमको इतना नॉलेज रहता नहीं है, कोई फोटो निकाल के मोबाइल में रखता है, गैलरी से चोरी हो जाती है, कई सारी फर्जी एप्लीकेशन आपकी गैलरी चोरी करते हैं, क्योंकि हमारे मोबाइल में कई सारे ऐसे एप्स होते हैं जो बिल्कुल फर्जी होते हैं। तो ऐसे हैकिंग वाले लोगों के लिए जिनके भी हो चुके हैं, वो ध्यान से सुने। अब मैं हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर की बात कर रहा हूँ, जो हमारे जुड़े हुए लोग हैं, जिनके भी वॉलेट हैक है उनको करना क्या है समझिए, ध्यान से समझिए। आपकी जो भी अपलाइन है, डायरेक्ट अपलाइन, जो आईडी आपकी हैक हुई है, मान लो ये आपकी ओरिजिनल आईडी है जो हैक हुई है ऑरेंज कलर की, तो किसी ना किसी अपलाइन के द्वारा ही लगी होगी। अब आपको करना क्या है, उसी अपलाइन की आईडी से एक नया वैलेट क्रिएट करना। अपलाइन सेम चाहिए, अपलाइन अलग नहीं चलेगा, ठीक है। पहली कंडीशन। अब ओरिजिनल आईडी आपकी जो हैक हुई है, उसी आईडी से 0.001 BNB आपको नया आईडी में भेजना है। क्यों, वो भी बताता हूं। कुछ लोगों की रह गई, उसका रीजन मैं बता रहा हूं। ओरिजिनल आईडी में से ही आपको 0.001 BNB आपको नया आईडी में भेजना है, और उसका ट्रांजेक्शन हैश भी देना है भेजने के बाद, ताकि चेक करें। और वो इसलिए चेक करना है क्योंकि उसके बाद आपकी आईडी आपके अपलाइन के नए इससे कनेक्ट हो जाती है, लेकिन आपके ओरिजिनल आईडी में जो माइनिंग चल रही है या जो भी इनकम वहां पे आ रही है मान लो, उसको कोई भी चोरी नहीं कर सकता। इसीलिए ओरिजिनल आईडी से नए क्रिएट किए हुए आईडी में आपको 0.001 BNB इसके डालना है कि उसके बाद ये हैकर जिसने आपकी आईडी हैक की है वो कुछ भी करेगा, मान लो वहां पे विड्रॉल करने जाता है, कोई दिक्कत नहीं, करने दो। जैसे ही वो विड्रॉल करता है वहां पे नहीं जाएगा पेमेंट, पेमेंट सीधा चला जाएगा नए एड्रेस। हैकर विड्रॉल कर रहा है यहां से जो आपकी आईडी हैक की थी, लेकिन जो इंटरकनेक्टिविटी होती है उससे, इसलिए आपका 0.001 BNB ओरिजिनल आईडी से नए आईडी में भेजना है जो आपकी हैक हुई है उसी आईडी से।
ताकि यहाँ पे हैकर जब भी विड्रॉल करेगा किसी भी चीज का, आपका एलपी हो, आपका एफटीसी हो, आपका कुछ भी हो, क्रेडिट होगा नए वॉलेट में। इस तरीके से हमने नहीं दिया है, इसीलिए कुछ लोगों के वॉलेट नहीं हुए। अब तो क्लियर है आप लोगों को, इस तरीके से ये प्रोसेस करनी है तब जाके आपका काम होगा। तो यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों, प्लान प्रेजेंटेशन क्लियर हो गया। अब चलते कहानी की ओर दोस्तों। आपको शायद पता होगा, नहीं होगा मुझे नहीं पता, चाइना के अंदर कंप्लीटली क्रिप्टो करेंसी बैन है। पता कर लीजिए, क्रिप्टो करेंसी ही बैन हो गई है। और हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा बिजनेस चाइना से था मैक्सिमम। और जब बैन हो गया उसके बाद वहां पे लोगों को पकड़ना चालू कर, उनके वैलेट हुए, वो अकड़म पकड़म दुनिया भर की चीजें, उन सभी को बचाने के लिए इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया। बैकेंड में डाटा था, वैलेट तो एज इट इज रहते, वैलेट को तो कुछ होना नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज है, पूरा जीरो कर दिया और नई रीबाइंडिंग चालू। क्योंकि हमारे दिमाग में था यार इनको ये सब करने की जरूरत क्या थी, इधर से उधर सब चितर बितर हो गया, एज इट इज रहता, किसी को टेंशन नहीं, जिसके साथ जुड़े थे उसके साथ ही जुड़े रहते, इधर जाओ उधर जाओ, आज भी मारामारी चल रही है। तो इस रीजन की वजह से नया रीबाइंडिंग उनको करना पड़ा अपने कम्युनिटी को बचाने के, क्योंकि सबसे ज्यादा कम्युनिटी चाइना से थी, मिलेनियर भी वहीं निकले हुए हैं। पहला रीजन। दूसरा, भाई नाम क्यों चेंज किया, क्योंकि जो आपके पास आने वाले सवाल है उसके लिए बताया। अब जब वहां पे सबसे बड़ा काम हुआ है, लोगों को, लीडर्स को परेशानी होने लगी, इसीलिए इन्होंने ऊपर का सिर्फ कपड़ा चेंज किया, जैसे हम नहाने के बाद कपड़े चेंज करते, शरीर वही है, आत्मा वही है, सब कुछ एज इट इज है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो इसलिए किया कि वहां की पूरी कम्युनिटी को बचाने के। आज भी वहां पे काम चल रहा है लेकिन अंडर टेबल चल रहा है, ओपन भी कोई नहीं कर पा रहा, टोटली बैन है। आगे जाके हो सकता है खुल जाए, खुलेगा भी जरूर, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट अपना खुद का करेंसी लॉन्च कर रही है, वो चाहती है कि हमारी करेंसी इस्तेमाल हो बस। आज वहां पे जो भी काम हो रहा है चुप चुप के हो रहा है। तो यही वजह थी जिसकी वजह से पूरा का पूरा नेटवर्किंग का सिस्टम इनको डिस्ट्रॉय करना पड़ा, बैकएंड में पूरा डाटा था ही, दोबारा फिर रीबाइंडिंग करवाया। तो इनको ये लगा कि भाई लोग एज इट इज जैसे थे वैसे आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिन जिन लोगों ने एसटीपी के कोड वाउचर को पेमेंट डाल के लिए थे, उन्होंने अपनी लिंक प्रमोट कर दी और उनके साथ लोग लगते चले गए। फिर सिस्टम को ये लगा कि यार कुछ इधर उधर हो गया, चलो सही कर देते। वो सही करने के चक्कर में कई सारी पेमेंट इधर से उधर हो गई और इसका मिसयूज इंडिया में 3-4 लोगों ने लिया, बस ज्यादा नहीं। रही बात हमारी, तो पहले आप सबको पता ही था अपलाइन कौन थे, उन्होंने कभी भी कनेक्ट नहीं करवाया
टॉप अपलाइन से किसी से भी चाहते ही नहीं थे, आज तक नहीं चाहते थे, क्योंकि वहां जाने के बाद पता चला भी। उसके बाद कुछ और लोग, और हमारी कभी उनसे मुलाकात हुई नहीं, कभी मिले नहीं, हमारे बारे में बहुत गलत गलत चीजें उनको बताई गई बहुत। वो तो इस बार 2-3 दिन का समय मिला उनके साथ रहने का, बातें करने का, तब जाके सारी पिक्चर क्लियर हुई। उनको पता ही नहीं था इंडिया में काम कौन कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि पैनिक सिचुएशन में भी जिस समय एक लीडर का साथ होना जरूरी होता है अपडेट्स के लिए, दूसरा कुछ नहीं करता है, ताकि लोगों को हर पल पल की अपडेट मिलती रहे कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किसने पैनिक सिचुएशन में साथ दिया और कौन माइग्रेशन के साथ ही भाग गए। जहां भाग गए वो कंपनी भी भाग गई, अब नहीं पकड़ी। मतलब एक किसी भी सिस्टम के साथ या किसी भी लीडर के साथ जब आप अपने आप को कनेक्ट करते तो सबसे पहले देखिए कि सामने वाले का विजन क्या है, क्या करना चाहते हैं, दोस्ती या फिर बिजनेस, उन्हीं के साथ किया जाता है जो आपको आगे लाने की कोशिश करे, आपको एजुकेट करने की कोशिश करे, आपका साथ दे, ना कि आपको बीच रास्ते में छोड़ के चला जाए। और ये काफी लोगों ने किया। बाद बाद में, मैं नाम के साथ बता रहा हूं, पाकिस्तान के एक लीडर ने इंडिया के 2 लीडर को साथ लेके मैक्सिमम टीमें अपने नीचे कर ली, जिनकी मतलब 700-800 लोगों की टीम नहीं थी, आज उनके नीचे हजारों की टीम है। वो दूसरी कंपनी कर रहे हैं खुद की, और यहां से अच्छा खासा अर्निंग जा रहा है। उन्होंने भी किया तकरीबन, मेरी लगभग दोस्तों कुल मिला के अगर माने 1 लाख के करीब की, कोई अफसोस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी यह है कि जो लोग उस टाइम साथ में थे आज वो बिखर चुके हैं, उनका कोई दोष नहीं है। आज मैं चाहते हुए भी उन लोगों को हेल्प नहीं कर पा रहा। उन्होंने कई बार कोशिश भी की कि सर हम आपके साथ आना चाहते, कुछ करिए, आज मीटिंग में भी बैठे होंगे। उनको मैं सॉरी बोलता हूं, नहीं हो पाया कुछ भी, फ्यूचर में देखते हैं। अब उनकी आईडी कहीं और चली गई है। अगर मैं उनको हेल्प करता हूं डेवलप करने में तो क्या होगा, गाय का दूध निकाल के कुत्ते को पालने जैसा हो जाएगा। वो तो अपना कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से इस बारे में माफी चाहूंगा, और इसीलिए आप सबसे मैंने गूगल फॉर्म भरने के लिए बोला था, ताकि मैं चेक कर सकूं कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं। तो आज आपको लिस्ट भी शायद मेरे पास है, काफी सारे लोगों ने भेजा था,
ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जो है क्योंकि तो पूरा लिस्ट निकाला है मैंने, उस लिस्ट के अंदर मैंने चेक करके डाला गया है, जो नहीं है उनका भी देखो, ये फेल्ड मतलब उनका वैलिड आईडी हमारे स्ट्रक्चर में नहीं है। कौन करते हैं देखिए, नहीं है। आज भी काफी लोगों के आए थे, शाम को मैंने चेक किए, नहीं है। ओके, क्योंकि जो चीजें क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, तो दोस्तों ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी। उसके बावजूद भी हमारे कोर्स में से कोई अगर बात करना चाहते हैं तो अपना माइक को अनम्यूट करके बात कर सकते कोर्स में से। अरे सवाल जवाब का नहीं है सर। अच्छा दूसरी एक बात, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो आईफोन में अपनी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि मैं आईफोन यूज नहीं करता हूं। कोई ऐसा बंदा है जो आईफोन में यूज कर रहे हैं? हाँ जी सत्यवीर जी, आप तो आईफोन यूज कर रहे हैं? हाँ जी रविंदर जी, आप आईफोन में यूज कर रहे हैं? सर मैं यूज कर रहा हूँ लेकिन आईफोन में ओपन नहीं हो पा रहा है, मतलब एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं हो पा रही है। काफी दिन से ट्राई कर रहा हूँ मैं। iOS में तो आ तो गई है, आ गई है लेकिन ट्राई कर रहा हूँ, डाउनलोड नहीं हो पा रही है। तो सेटिंग में जाके कुछ करो, चलो उसका लिए जुगाड़ करो। मुझे लगा मैं ये तो बोल रहा हूँ कि जो यूज कौन कर रहे, तो आप बोले यूज नहीं हो पा रहा है। जो यूज कर रहे कोई ऐसा बंदा है जो यूज कर रहा है? हाँ काफी लोगों में चल रहा है सर, सबके ये प्रॉब्लम नहीं है। जिनकी है उनको तो पूछ रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग उसको ऑपरेट करना चाहते हैं, तो सेटिंग में क्या करना है वही पूछ रहा हूँ मैं। अंकित जी, जो ऑलरेडी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा है आईफोन पे, वही बंदा हैंड रेस करे। क्योंकि हमारे बादल सिंह जी है। हाँ जी रणवीर सोनी जी, सर मैं यूज कर रहा हूँ सर आईफोन में। गुड मॉर्निंग सर, आप अगर यूज कर रहे हेलो आप बता सकते हैं आपका स्क्रीन शेयर करके कैसे आपने क्या क्या सेटिंग की तो लोग? सर इसमें ना क्या नाम सिंपल, उसमें जो हम साइट पे जाकर जब इसको डाउनलोड करते हैं ना, हाँ तो पुराने वाले को रिमूव कर दो और नए वाले को इंस्टॉल कर दो, वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। अच्छा पहले पुराने वाले को रिमूव करना है? हाँ जी पहले उसको रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा दूसरा कोई और सेटिंग वगैरह में करने की जरूरत नहीं सर, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। पीछे ये दिक्कत आ रही थी, पीछे नहीं हो रहा है, लेकिन अभी लगभग 20 दिन से डाउनलोड हो गया है और वो वर्किंग कर रहा है, प्रॉपरली वर्किंग हो रही है। ओके बादल जी आपका जवाब मिल गया, ठीक है। ओके हाँ जी बादल सिंह जी। सर जी नमस्कार, और सर क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया बढ़िया सर। ये भाई साहब है, ये बता रहे हैं कि आईफोन में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि अनइंस्टॉल करके नया इंस्टॉल करो, हो जाएगा बोलते। नहीं ऐसे है सर, मैं मेरे पास भी टीम में आईफोन में पहले चल रहा था, बट क्या हुआ कि उनका भी जब मैं अपडेट आए तो चल नहीं पा रहा, हमने पुराना रिमूव भी कर दिया अभी वो भाई, ठीक है जी, और नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तब भी वो चल नहीं पा रहा। और अभी क्या है क्योंकि उसके बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं आईफोन इस्तेमाल ही नहीं करता। सर आपका आईओएस का वर्जन कौन सा है? 6 है।
सर जो सर नया लेटेस्ट कर रहा है 3.06 का। नहीं सर आप 16.6 करो उसमें चलेगा। अरे सर वो तो चलो आप एक काम कर सकते हैं सर, वो आप लिंक शेयर कर देंगे। हाँ जी आप उस ऐप का लिंक शेयर कर देंगे। सर ऐप्स में कोई लिंक नहीं है, तो साइट का लिंक है ना जो वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा ना। सर ऐसा ना हम जब भी डाउनलोड करते हैं तो लेटेस्ट ही ऐप डाउनलोड होता है। नहीं सर आपका आपका मोबाइल एक्चुअली क्या है कि जो पुराने मोबाइल है ना उसमें ये लेटेस्ट अपडेट जो है वो नहीं आई है अभी। कौन सा फोन है आपका iOS इसमें एप्पल का? मेरा नहीं एक्चुअली, मेरे पास तो एंड्रॉइड है बट मेरी टीम में किसी के पास है और कुछ मित्र है मेरे बाहर से। अगर उनके पास 11 वगैरह होगा ना तो उसमें शायद नहीं चल पाएगा क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर रहा 16.6 को। फोन का भी सर इशू हो सकता है। मेरे पास पीछे 20-25 दिन से बिल्कुल परफेक्ट चल रही है एप्लीकेशन। ओके ओके कोई बात नहीं। थैंक यू सर। बाकी हम देखते हैं टीम में उनको बोलते हैं या हमारे कोर्स में से कोई बात करना चाहते हैं। हेलो संजय सर नमस्कार। नमस्कार जी सर। सर मैं ये कह रहा था कि आपने शुरुआत में बोला था कि काफी सारी वहाँ कुछ बातें हुई तो आने वाले इको सिस्टम कब तक कंप्लीट होगा? सर इको सर आवाज हमारा डबल क्यों आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर आपकी आ रही है। अब ठीक है सर भाई। इको सिस्टम कंप्लीट होने में तकरीबन 1 साल लगेगा जी। यानी आप कुछ और अपडेट से बताएंगे बोले तो मेरे का कुछ अगर भूल गए होंगे तो आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूं। और मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये था सर कि जिस तरीके से हमें माइनिंग इनकम का पता है कि 11:30 बजे आ जाता है वो जी, तो हमारा जीएम का बिजनेस या जो भी ये जो रिवार्ड से जो बिजनेस होता है ये कब एंड होता है और इसका रिवार्ड कब आता है? ये भी 11:35 को ही आता है सर। 11:40 पे आ जाता है सर। 35-40 तो कोई कोई बता रहा था सर दिन में 2:30 बजे आता है क्योंकि नहीं 11:40 के पहले हमारा बिजनेस क्लोज होना हो जाना चाहिए राइट सर? बिल्कुल जी। सर हाँ मैंने एक वीडियो डाला है यूट्यूब का जी, जो 4-5 दिन पहले पोस्ट किया गया है उसमें सारा प्रोसेस बताया कि आईफोन में कैसे डाउनलोड करना है और उसको सारी सेटिंग कैसे करनी है। आप लोग अपना ये यूट्यूब ले लीजिए और यहाँ से देख के अपने आईफोन वाले इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने लिंक डाला देखो चैट में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके सर। हाँ जी अतुल जी। जी सर जी जी। तो वही मैंने कहा थोड़ा सा आपको याद दिला दूं और काफी सारी अच्छी बातें हुई होगी वहाँ पर लीडरों के साथ में। अब देखो काफी कुछ चीजें हुई है, काफी कुछ मैं वही तो बता रहा हूँ ना, क्योंकि पहली बार पता चला कि हमारी अपलाइन कौन कौन है। बिल्कुल ठीक है जी। तो काफी सारी हमारी अपलाइन है, इंडोनेशिया से है, सिंगापुर से है, मलेशिया से है, चाइना से है, 4 जगह से हमारी अपलाइन है। और कुछ लोगों ने क्योंकि हम अब तक उनके साथ कभी कनेक्टिंग में थे नहीं, कभी सामने मिले नहीं, कभी देखा नहीं, एक दूसरे के बारे में पता नहीं कि कौन किसने कितना काम किया क्या किया, और जो लोग वहां गए थे उन्होंने इतना जहर भर रखा था जिसकी कोई लिमिट नहीं। इतना अभी भी हम, अरे भाई साहब दूसरी बात बताता हूँ, अभी हम सिंगापुर गए, बाकी के बागड़ बिल्ले हम वहां गए, उनको पता चला ये गए तो उन्होंने आना ही कैंसिल कर दिया, उनको लगा वहां पे तो वहां बैंड बजा देंगे ये। अच्छा पाकिस्तान से उनकी बात कर रहे हैं सर, वो तो परसों के दिन मीटिंग हुआ था उसका। हाँ वो भी काफी सारे लोग बैठे भी थे, हमारे इंडियन कम्युनिटी के लोग भी बैठे थे उनकी मीटिंग में। वो तो सबसे बड़ा पागल बिल्ला है। काफी सारे लोग बैठे हैं। कोई बात नहीं, अभी तो फर्स्ट टाइम गए हैं। काफी कुछ अच्छा मार्केट में एक चीज आ रही थी सर, थोड़ा सा लोगों का एक चीज आ रही थी कि
बोले कंपनी अभी 1.4% हमें दे रही है, तो अभी ये कब तक देगी, हो सकता है इसको जल्दी जाने। काफी सारे लोग इसमें इस प्रकार का थोड़ा सा ये रखते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बैंक में जी जाकर सर, जिनको समझ में नहीं आता है उनको बोलने दो, जिसको जो बोलना है जी, उनको पता ही नहीं है। बिल्कुल जिनको नॉलेज नहीं है वो ऐसा ही बोलेंगे, उनको पता ही नहीं कि यहाँ पे अर्निंग आ रही है, जा नहीं रहा है, जी सर। और ये अजय पैसा लगा हुआ है। जी, एक मिनट सर, एलपी में किसका पैसा लगा हुआ है भाई? पब्लिक का। बिल्कुल सर, एक्सचेंज में लेन देन करता है किसका? कौन से कंपनी एक्सचेंज में पैसा लगाती है लेन देन के लिए? या तो 50 मिलियन डॉलर लगाने को तैयार हो गए उस सब के लिए। यही और कमी होती है नॉलेज नहीं होने की। अभी भी सर इतने, संजय सर इतने सारे लोग हैं जिन्होंने BP20 को स्वेप नहीं किया। आज मुझे पर डे कम से कम 5-10 लोग ऐसे आते हैं, मुझे कॉल्स आता है जिनके वॉलेट्स में पड़ा हुआ है BP20। बोलना बस वैसे ही पड़ा रहने दो अपने कैश वाउचर की तरह, कई है ना। अप्लाई नहीं सर, बताया नहीं अभी तक के उनको। लोगों के पास पड़े हैं। आज एक बंदे का कॉल आया सर, मैं तो बोला बोले उस टाइम पे कि भाई कंपनी गई इसलिए मैंने ध्यान दिया नहीं, तो मतलब फिर उस टाइम पे तुमको पता चला कंपनी गई तो आज क्यों पकड़ रहे हो? आपके लिए तो गई हुई है, वो खत्म है कहानी, तो आज किस लिए फोन किया थी? अगर हमने कहीं पेमेंट डाला है, पैसा लगाया है, तो उस चीज के बारे में कम्युनिकेशन करना, कि ये जानना हमारा काम है, किसी दूसरे का नहीं है। संजय नॉलेज तो जी, ये USDT से आज लगाए तो नहीं ले रहता, ये प्लेजिंग लिक्विड प्लेजिंग नहीं ले रहता। आपका ले लेता है वहां पे, आप थोड़ा ये डाल दीजिए मेन थोड़ा, चेन और जो आपका USDT है उसकी गैस भी डालिए, दोनों रखिए तुरंत हो हाँ, रखा जाएगा। रखा वो भी रखा, फिर बाद में डिवाइड करके डालना पड़ा। वो भी रहता है। और संजय सर मैंने एक चीज देखा कि अगर 101 डालते हैं तो ले रहा है शायद जल्दी से, अच्छा हाँ, और 100 डाल रहे हैं तो उसमें शायद प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने ऐसा महसूस किया है। हाँ तो 101 डालो ना, क्या दिक्कत है? हाँ 101, क्योंकि उसको करते हैं तो शायद वहां से भी कुछ कटता होगा ऐसा लग रहा है, तो 100 प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है वो। अच्छा, ये FTC BPTD से स्वैपिंग बहुत ले रहा है, बहुत 35% ले रहा है, 33%, क्या बात है? नहीं पूरा ही खत्म हो जाएगा सर। नहीं स्वैपिंग। अरे सर कोई कुछ नहीं ले रहा है, आपको एक चीज बताओ, आपको बीच में 15 दिन पहले बोला गया था कि BP20 में जो भी है उसको फिन में या फिर मेन में लेके जाओ, सुनिए नहीं कर रहे हैं बहुत लोग। ना, हाँ कहा गया था कि कंपनी ये चाहती है कि सारा इकोसिस्टम अपने खुद के पर्चेन पे चले, यस सर, और इसीलिए कैप बढ़ता जा रहा है रेट का सर। ठीक है ठीक तीन है। दिन का समय दिया था कि BP20 से FTC हटा के कन्वर्ट कर लो, ओके ओके, बहुत लोगों नहीं मालूम, वैसे रख लिया पूरा। तो अच्छा है ना सर, आपको ROI देना है, जनरेट कहाँ से होगा? ठीक है सर, फीस है, ट्रांजेक्शन फीस है, डिडक्शन है, ये क्रॉस चेन का गैपिंग है। अभी आप दो सवाल करते हो सर, कितना दिन चलेगी सर, इतना काट रही है, हित भी मेरा और पट भी मेरा। उनको टाइम दिया गया था सबको, कैश वाउचर के समय भी कंपनी ने 6 दिन का समय दिया था, सब्सक्राइब कर लो, और हर 3 घंटे में मैं व्हाट्सएप डालता था आपको याद होगा तो भाई। उसमें से भी सर बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप बोलते हैं हमारे नोड का क्या होगा सर, हमने तो खरीदा नहीं। उनका देखो आगे पता नहीं क्या होगा, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, वो भी मैं पूछ लिया, फिलहाल कुछ नहीं बोल सकते, बोले आगे क्या अपडेट आएगा, क्या करेगी, सबका तब है, क्योंकि यहाँ तो कल का क्या डिसीजन लेगी किसी को पता नहीं है। अभी जैसे सडनली आपने सुना होगा कि तुरंत
ये अपना इवेंट था 13 तारीख का, और 6-7 तारीख को ही अनाउंस कर दिया इवेंट का। 2-3 दिन में पूरा पासपोर्ट का अपना वीजा का अरेंजमेंट करना पड़ा। अभी 26 तारीख का वियतनाम का है, लेकिन अभी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है। 4-5 दिन पहले कर लेंगे, मतलब अर्जेंट में भागो। क्योंकि इसका जो मेन क्रिएटर है वो जैसे जैसे दिमाग चलाता है वैसे वैसे अनाउंस करता है, चलो आज ये कर दो, आज ये चीज लॉन्च कर दो, आज इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दो, आज ये एप्लीकेशन में ये कर दो। बैकएंड में बहुत बड़ी टीम है, लेकिन सिंगापुर में सिर्फ वहां पे ऑफिस है, कोई एडमिन नहीं है। वहां केवल यो एशिया की हेड बन के वहां पे पूरे एशिया को हैंडल करती है, टीमों को डेली वहां पे मीटिंगें चलती है। सभी टॉप लीडर्स की अलग अलग कैबिन्स बनी हुई है MD++ की, और कुछ नहीं है वहां पे, बड़ी ऑफिस है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, रिसेप्शन वगैरह सब कुछ है, कैफेटेरिया वगैरह सब कुछ। सर प्ले स्टोर में अपना ऐप आने का कोई अपडेट है? वहां आपने पूछा था आने के बाद, अच्छा सर, जिस दिन इकोसिस्टम कंप्लीट हो जाएगा उसके दूसरे दिन आपको प्ले स्टोर में ओरिजिनल मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यू अपडेट आते रहते हैं। और प्ले स्टोर में क्या होता है कि जब जब भी आप अपडेट करते हो आपको मेल भेज के अप्रूव लेना पड़ता है। ओके सर, बार बार पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि उनको क्या है तुरंत अपडेट कर दिया, लोगों को यूज करने में आना चाहिए, नहीं तो पता चला अप्रूवल अटक गया, सर मेरी ये प्रोसेस ही नहीं हो रही, अरे सर ये तो रुक गया, अरे सर भाग गई, ये दिक्कत आती जी सर, है ना। क्योंकि हमारा अगर खुद का नेटवर्क भी अगर कभी काम नहीं करता है तो हम लोग टेंशन में आते, गई तो नहीं। जी सर, जी सर, तो ये काफी कुछ चीजें हैं, ठीक है, ठीक है सर, बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत कुछ चीजें धीरे धीरे पता चल जाएगी आपको। क्योंकि अच्छा हुआ इस बार हम लोग गए सभी लोगों से, बहुत बढ़िया हुआ सर, उनके मन में बहुत जहर भर के भरा के रखा हुआ था और उनको पता भी चल गया पूरा कि इंडिया के अंदर किसने डेवलप किया है, कैसी कैसी सिचुएशन बनाई है लोगों ने। बिल्कुल मिलते नहीं चीजें पता नहीं चलती है, तब तक तो हर एक कोई मान लेगा, आप भी लोग भी मान लोगे, क्योंकि इंडिया में भी लोग बोलते हैं कि संजय भाई ने टीम चुनी है, बिल्कुल बोलते हैं। सर क्या होता है ना कि फलदार पेड़ पे ही लोग पत्थर मारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक चीज मैं आपके माध्यम से थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, काफी सारे लीडर्स हैं सर और काफी सारे अच्छे पोस्ट पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल मामले में काफी कमजोर है। और एक चीज मैंने देखा कि आज आपका मीटिंग हुआ और आज कुछ अपडेट देने वाले हैं, क्योंकि आज हाउसफुल हो गया, लेकिन जब आपका टेक्निकल सेशंस रहता है ना, तब मैंने एक दिन देखा कि सिर्फ 300-400 लोग थे, सीखने के लिए कोई तैयार नहीं है ना, जरूरत नहीं ना उनको, उनको कितना लगा वो अपलाइन को, अपलाइन को 10 बार कॉल करेंगे, परेशान करेंगे, फिर मीटिंग में आके फिर बोलेंगे जब अभी जानकर, अभी और 1-2 महीने बाद भी लोग BP20 को कन्वर्ट करने के लिए आएंगे, मैं बता रहा हूँ, और तब तक मुझे पता नहीं रहेगा क्या होता है जी। सर हमारे बीच में अशोक भट्टाचार्य जी हैं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। अरे सर क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है सर, आप लोग जो है ना, आप लोग अपने टीम के क्वेश्चन आंसर अपने साथ ले लिया करिए और आप प्रेजेंट कर लिया करिए। ओके सर, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, अब प्रमोशन केवल हमारी टीम का होगा, बाकी टीम का हमको कोई लेना देना नहीं। सर उनका क्वेश्चन कोई नहीं है, वो तो आपसे बात करना चाहते हैं, एक मिनट अपनी कॉल पे कर देना सर लोगों को, ओके ना, अभी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं।
क्योंकि अब इवेंट की तैयारी करना चालू कर दो। ओके सर। क्योंकि कल से एक कॉन्टेस्ट चालू हुआ, आपको पता होगा, 3%, 5%, 7%, 9%, 10% का, जीएम से लेके एमडी तक का। जी राइट राइट सर। हाँ, उसकी तैयारी कर लो और वियतनाम की तैयारी कर लो। उसका क्या है सर, थोड़ा सा बताएंगे? 3% का मेरा तैयारी चल रहा था राजस्थान में, छोटा सा इवेंट करने का, 150 लोगों का। नहीं नहीं वो इवेंट के लिए नहीं है, अभी पूरे 14 सितंबर तक टॉप से टॉप बिजनेस किस कौन से जीएम का रहेगा। अच्छा जी। उनको 3% दिया जाएगा। उसके ऊपर अप्लाई नहीं, उसको 5%, मतलब 2% गैप कमीशन में जाएगा। इस तरीके का रहेगा कॉन्टेस्ट, जैसे पहले सुपर नोड का चलता था। उसके अलावा अभी वियतनाम इतना कोई महंगा नहीं है दोस्तों, कल मैं चेक कर रहा था 20,000 की आने जाने की टिकट हो रही है, 1,500-2,000 में मेरे ख्याल से वीजा निकलता है। होटल भी वहां पे सस्ती है, एक रूम में दो बंदे रुकेंगे तो पर डे मुश्किल से 1,500-2,000 में रूम मिल जाती है। अगर 3-4 दिन के लिए जाए तो मेरे ख्याल से 30-35 हजार में पूरा पैकेज सेट हो जाता है, घूमना फिरना सब कुछ आ जाएगा मेरे ख्याल से। क्योंकि हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, पिछले 2 महीने अब कंपनी इवेंट नहीं करेगी क्या, अब इवेंट नहीं होगा क्या, उस टाइम पे तो हम लोग नहीं जा पाए लेकिन अब जाना चाहते हैं। आए कितने? अगर हम इंडिया की 5 लाख कम्युनिटी मानते हैं तो 5 लाख में से सिर्फ 3 लोग, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं हम लोग, वियतनाम जैसे कंट्री तक भी नहीं जा पाते। फोकट का भी बोलो, ये कंपनी की ओर से है, एक भी नहीं घर पे रहेगा। हाँ यार सही बात है। नहीं सर पैसा नहीं है। अब ये जितने जीएम है $100 डेली के आ रहे भाई साहब, 3 दिन की इनकम जाएगी, जाने दो। अरे यार खुद के लिए तो जियो। अभी हम लोग घूमने गए थे, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जी सर। 49 की एज चल रही है, ठीक है। आदमी क्या सोचता है, एक मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ या मुझे जो लगा वो बता रहा हूँ। आदमी क्या सोचता है, पहले घर बार बना ले, बच्चे बच्चे बड़े हो जाए, शादी वादी हो जाए, मतलब सारे कामों से मुक्त हो जाए, फिर घूमने चलेंगे। पैसा भी है उस समय मान लो, लेकिन हाथ पैर नहीं चलेंगे। 1-2 घंटे घूमोगे, पूरे दिन का घूमने का रहता है, 1-2 घंटे घूमोगे थक जाओगे। कल हम 3 दिन में केवल 1 दिन घूमने गए और 1 दिन पूरा घूम नहीं पाए, थक गए थे। और तब समझ में आया कि बोलते ना, दांत है तो चने नहीं है और चने है तो दांत नहीं है। जी सर। अच्छा रहता है उस समय जो करना है कर लो, बुढ़ापे में पैसा रहेगा लेकिन घूम नहीं पाओगे, चढ़ नहीं पाओगे, उतर नहीं पाओगे। तो सही समय में सही चीजें आदमी को कर लेनी चाहिए, ये हमारी मेंटालिटी है। अरे यार अभी तो मेरे पे बहुत जवाबदारियां है, बच्चों की पढ़ाई है। हाँ भाई सबकी है, लेकिन साथ में अपने लिए भी समय निकालो। बाद में पैसा रहेगा लेकिन शरीर साथ नहीं देगा। घूम पाएंगे राइट सर। बिल्कुल। अभी 50-55 के बाद तुम कहाँ दिन भर घूम पाओगे, टहल पाओगे? 1-2 घंटा घूमोगे अपने आप थक जाओगे, नहीं यार अब कहीं नहीं जाना, मैं बैठता हूँ, तुम लोग जाके आओ। यही हाल होता है।
संजय सर मेरे हिसाब से गूगल शीट बनानी चाहिए, कल से कौन आना चाहता है? कोई जरूरत नहीं भाई गूगल शीट बनाने की, जिसको जीएम भी आ सकता है सर, इसी से कोई मतलब नहीं है, ठेका लेके रखा है क्या गूगल शीट बनाने का? नहीं मतलब छोटा से छोटा जीएम भी आ सकता है ना, चार दिन की निकल जाएगी भाई ना। मैं अपने वहाँ कोई कंपनी ने थोड़ी लंगर लगा के रखा है। नहीं कंपनी ने देखने को तो मिलेगा ना रियल में सिस्टम, भाई अपने अपने हिसाब से अरेंज करो और जाओ। सही बात है सर। उससे हमको क्या मतलब है, लिस्ट बनाओ और उनके फिर वीजा मंगाओ, पासपोर्ट मंगाओ, जिसको जाना है जाएंगे, हमें जाना है हमको इतना पता है बस। हमारे चार पांच लोगों का ग्रुप फिक्स है, कहीं भी इवेंट हो हम लोग चले जाएंगे, आना है वेलकम। क्यों हैंड बैग पालोगे भाई साहब? हेडेक पालना मतलब जी का जंजाल है, जिनको अपने अपने हिसाब से जाना है जाने दो, उसमें भी बोलेंगे कि यार ये आप ग्रुप का टिकट बनवा के अपना फोकट में करवाना चाहते हैं, मत करो ये सब, जिसको जाना है अपने अपने हिसाब से एजेंट पकड़े चला जाए। और सर जी कुछ बोलना चाहते हैं? जय श्री राम जी। सर दोस्तों बातें कड़वी जरूर लगती है आपको, सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, हर उस चीज से गुजर चुके हैं सर। आपकी बातें कड़वी जरूर लगती हैं, लेकिन जो भी आप बात बोलते हैं सर वो सभी के लिए मेरे हिसाब से सही है। क्लियर है भाई, क्लियर है बिल्कुल। क्योंकि बाजार में जो मिठाई रखी रहती है ना सर, उस पे बहुत ज्यादा मक्खियां बैठती हैं जी, लेकिन कड़वी कोई चीज रखी हो ना उस पे बहुत कम जाती हैं। यही लोगों का हाल है। नहीं कड़वाई ठीक है भाई साहब, दवाई का काम करते हैं। और कोई हमारे कोर्स में से कुछ, आप जितने भी हमारे टीम के टॉप लीडर्स हैं, आपके टीम के अंदर जो भी क्वेरीज है आप पूछ लीजिए। अभी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिनको ये पता नहीं है कि वो किसके साथ है, गूगल फॉर्म आपको दे रखा है और चेक करने का तरीका भी मेरे पास है, मैं आपको अभी भी दिखाया था, ये गूगल शीट बनाया हुआ है, आप जो फॉर्म भरते हो वो यहाँ पे आ जाता है, देखो। और यहाँ से मैं एक एक एड्रेस कॉपी करके चेक करता हूँ, ये देखो फेल मतलब आज भी किया था, इसमें से देखो डन डन डन, उसके बाद फेल फेल फेल, ठीक है। ये देखो जो फेल है मतलब वो हमारे टीम में नहीं है, किसके साथ है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं पूरे ये लिस्ट बना रहा हूँ ताकि उन लोगों पे फोकस करूं जो हमारे साथ है, उन लोगों की क्वेरी सॉल्व करो। राइट सर, ठीक है, ठीक है सर, क्लियर है सब कुछ? हाँ सर सब क्लियर है। ओके ठीक है, तो आज ओके गुड नाइट सर। अपडेट अभी जैसे जैसे मुझे याद आएगी मैं बताता जाऊंगा आपको, अभी जितना दिमाग में आया उतना बता दिया, बाकी और कोई सवाल रहेगा तो उसके हिसाब से फिर मैं जवाब देता हूँ। तो आप अपने टीम में से जो भी आपके क्वेरीज है, ठीक है,
कल मैं एक स्पेशल अपने जितने जीएम वीपी है एसवीपी है उनका केवल उसके अंदर आप सभी के सभी लोग अपने क्वेरी डाल सकते हैं, आपके टीम के अंदर किसी भी तरह की क्वेरी हो, और जो लोग अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, जो भी लीडर छोटी छोटी इवेंट चालू करो। ओके सर। 10-10, 20-20, 50 अलग अलग सिटी में जाके 10-10, 20-20, 50-50 लोगों के इवेंट चालू करो। जी सर। है ना। ओके सर, मैं करता हूँ आपको सपोर्ट, अपने आप को आगे बढ़ाओ, कमाओ। ओके सर, ठीक है। ठीक है सर। अपनी आईडी चेक करवाना चाहते हैं गूगल फॉर्म, जिन्होंने भरा वो ना भरे, दोबारा ना भरे, और जिन्होंने नहीं भरा है वो भर दे ताकि पता चले। उसके साथ में नाम भी लिख रहा हूँ ताकि मुझे पता चले, दिखाता हूँ मैं आपको। ये पूरा लिस्ट है, मान लो एग्जांपल दिखाता हूं आपको। यहाँ पे थोड़ा तकलीफ आ रहा है, लेकिन किसी के बराबर होता है। यहाँ नहीं दे रहा है। यहाँ पे की बोर्ड नहीं दे रहा है। यस, अब आ गया। देखो ये पेस्ट किया, 3 और 3 से आईडी और जो डन किया है ठीक है, डन वाला दिखाता हूँ। एक तुरंत आ गया, दिखा दिया। जी सर। स्ट्रक्चर में वो अपने आप सर्चिंग में आ जाएगा, जो नहीं है वो नहीं आएगा। इस तरह से चेक कर करके मैं लीडर देख रहा हूं कि कौन है जिसके पीछे मेहनत करे। ठीक है, तो जो ठीक है सर, एक दो दिन में पूरी लिस्ट आ जाएगी, और जो नहीं है उनकी लिस्ट भी मैं डाल दूंगा। ठीक है।